अब बारी आई है मामलात के बयान की। मामलात जिसमें दो आदमी किसी किस्म का मामला करें, किसी किस्म का लेन देन करें, उसे मामला कहते हैं। खास तौर पर माली मामलात, जिनमें से एक अहम मामला विरासत से मुतालिक गुज़िश्ता कई हफ्ते जब इसका मौका आया था आपके सामने बुनियादी और अहम बातें अर्ज की गई थी। आज जिस अहम उनवान को मैं लेकर बैठा हूँ, अल्लाह करे कि ये उनवान और ये बात मेरे दिल में भी बैठ जाए और आप सबके भी दिल में बैठ जाए, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिस मामले का उन्वान लेकर मैं बैठा हूँ, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए 40 अहादीस में उसकी ममानअत फरमाई है, सख्ती से उससे रोका है। और ये ऐसा मामला है, ये गुनाह का ऐसा मामला है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस मामले के करने वाले से ऐलाने जंग किया है, ऐलाने जंग किया है कि सुन लो मेरी तरफ से और मेरे रसूल की तरफ से ऐसे मामला करने वाले के लिए ऐलाने जंग है। वो कौन सा मामला है? वो है सूद का मामला, सूदी लेन देन का मामला। इस्लाम में माल की क्या अहमियत है? इस्लाम में माल की और माश की क्या अहमियत है? और माश की बुनियाद क्या है? इस्लामी मिजाज माल के और माश के सिलसिले में पनाह का है कि इंसान को जो मिले उस पर सब्र इख्तियार करे, न किसी के सामने हाथ फैलाए, बल्कि खुद हलाल कमाई कमा कर खुददारी के जरिए से अपने हाथों से कमा कर खाए और अपने फैमिली को खिलाए। इस्लामी मिजाज ये है कि इंसान पनाह पसंद हो, लेकिन जब इंसान के अंदर हिर्स और हवस जागती है, जब लालच पनपती है, जब इंसान लालची होता है, तो फिर वो हराम और हलाल का ख्याल नहीं करता। फिर उसे जिस काम में और जिस कमाई में नफा मालूम हो वो करता है। सूदी मामले की बुनियाद हिर्स और हवस पर है, सूदी मामले की बुनियाद जुल्म पर है। इंसानियत से हमदर्दी रखने वाला कभी सूदी मामला नहीं कर सकता। आखिर ये सूदी मामला है क्या? इसे समझना हम सब के लिए जरूरी है। बहुत आसान लफ्जों में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ज़माने जाहिलियत में, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमद से पहले ज़माने जाहिलियत, जो कि जहालत का और हर किस्म के गलत कामों का दौर था, उस दौर में ये भी आम हो गया था कि कारोबार जिस तरह कम किया जाता है और उससे नफ़ा कमाया जाता है, इसी तरह नफ़ा कमाने का और कारोबार करने का एक और ज़रिया है, वो है सूद का मामला करना। किसी को कर्ज देकर वापसी में बढ़ा कर लेना, 10,000 रुपये कर्ज दिए, अब वापसी में 11,000 रुपये लेना है। कर्जे के मामले में या कोई चीज़ जमा किया, अब जब उसे वापस लौटा रहा है तो उससे कुछ माल तलब कर रहा है। किसी से कर्ज का मामला हुआ, अब जब वो कर्ज अदा कर रहा है तो उससे जायद लिया जा रहा है। तो ये जो जायद है
ये किसी मेहनत के नतीजे में नहीं है। शरीयत इसे बढ़ोतरी कहती है, शरीयत इसे बेमेहनत और बेमशक्कत का नफ़ा और मुफ्त का माल देती है, और शरीयत ये कहती है कि ये बढ़ोतरी जायज़ नहीं है, हराम है। यानी किसी भी कर्जे के मामले में बढ़ोतरी का लेना या देना ये सूद कहलाता है। अगर इंसान अपनी मर्जी से बिना किसी शर्त के, बिना किसी पहले से बात तय किए हुए, यूं ही अगर अदा कर दे कि आपने मुझे वक्त ज़रूरत कर्ज दिया तो मैं आपको ये जायज दे रहा हूँ, वो नहीं, बल्कि कर्ज के नतीजे में जब लौटाना पड़े तो ज़्यादा लौटाना पड़े। तो अरब में ज़माने जाहिलियत में सूदी मामलात भी बहुत ज़ोरों पर था, कर्जे दिया करते थे और ये कारोबार के तौर पर लोगों से नफ़ा वसूल किया करते थे। जब सूद की ममानात आई और अल्लाह ताला ने कहा अहल्लल्लाहुल बैय व हर्रमर रिबा, काफिरों का नज़रिया, अरब के जाहिलों का नज़रिया, मुशरिकीन का नज़रिया कि जिस तरह बैय हलाल है, जिस तरह बिजनेस और तिजारत हलाल है, इसी तरह सूदी मामला भी बिजनेस का ज़रिया है, अल्लाह ताला ने फ़र्क कर दिया, नहीं, अहल्लल्लाहुल बैय, बिजनेस हलाल, तिजारत हलाल, कारोबार हलाल, व हर्रमर रिबा, ये जो रिबा और सूदी मामलात को तुम कारोबार समझे हुए हो ये हलाल नहीं है, ये नफ़ा कमाने का और कमाई करने का ज़रिया हलाल नहीं है, रोक लगा दी। जब रोक लगाई गई तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो नबी अकरम अलैहिस्सलाम के चचा हैं, ये कर्जे का बड़ा मामला किया करते थे, बड़े मालदार थे, करोड़ों का लोगों के ऊपर बाकी था सूद, कर्जे दिया करते थे और लोगों पर करोड़ों रुपए थे। जब ये ममानात आई तो नबी के सामने वादा किया कि एक दो दिन की मोहलत दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोहलत की क्या ज़रूरत, जब रुकना ही है तो फिर रुक जाओ। और ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पर भी बाकायदा ऐलान किया कि मैं अपने घर से इस सूदी मामले को कल अदम करार देता हूँ, और फरमाया कि अब्बास का जो रिबा है, जो लोगों को देना है, वो मेरे कदमों के नीचे है। सबसे पहले अपने घर से नबी इस्लाम का कदम उठाया करते हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने भी सारे रिबा के मामलात, सूदी मामलात जो अब्बास के थे, कल अदम करार दे दिए और ख़त्म फरमा दिए। 6666 आयात हैं कुरान शरीफ की, इन आयात में अगर सख्त से सख्त हुक्म, सख्त से सख्त वईद अगर किसी गुनाह पर है तो वो यही गुनाह है। फरमाया यमहुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदाकात, अल्लाह ताला सूद को घटाते हैं। सूदी मामला करने वाला कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, बज़ाहिर तरक्की में नजर आए दिवालिया होकर रहेगा, मुफलिस और तंग दस्त होकर रहेगा, भिखारी बनकर रहेगा। यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूदी मामले को घटाते हैं, सूद को घटाते हैं, सूदी माल और दौलत को घटाते हैं, बरकत खींच लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं। साथ हलाक करने वाली चीज़ों में एक ये भी है, सूद का खाना। वही सदकात, और जब माल बढ़ जाए तो इंसान को, ख़ास तौर पे मुसलमान को, मोमिन को यह हुक्म है कि वो खर्च करे, सदका दे, ज़कात दे। खर्च करने में, सदका करने में, ज़कात देने में क्या मालूम होता है, पैसा बढ़ रहा है,
घटता हुआ मालूम होता है। कुरान शरीफ की आयत है कि जो तुम रिबा और सूद देते हो लेते हो, इससे तो बज़ाहिर यही मालूम होता है कि सूद से माल बढ़ रहा है, हालांकि वो बढ़ता नहीं। फला यरबू इंदल्लाह, वो नहीं बढ़ता, बज़ाहिर बढ़ा हुआ मालूम हो रहा है, नहीं बढ़ता, तबाह होकर रहेगा। और जो तुम ज़कात देते हो, जो अल्लाह के लिए खर्च करते हो, वो बढ़ता है। फ़ाउलाइका हुमुल मुदईफून, वो बढ़ता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारो, और जो सूद अब तक था खत्म करो, ज़रूर मा बकिया मिनर रिबा। आगे फरमाया, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो खत्म करो सूदी मामला, अब तक जो हुए हुए, अब आइंदा नहीं होना चाहिए अगर तुम मोमिन हो। और इससे क्या पता चला, अगर तुम मोमिन नहीं हो, इससे पता चला कि ये मोमिन का काम नहीं है। सूदी मामला, सूदी लेन देन, ये ईमान वाले का काम हो ही नहीं सकता। फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम सूदी मामला को नहीं छोड़ोगे, लेन देन नहीं छोड़ोगे, फ़अदनू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह ऐलान जंग फरमा रहे हैं कि मैं बर्बाद करके रख दूंगा। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो। सूदी मामला ये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बर्बादी का ऐलान है। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। नबी अकरम अलैहिस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ ले गए थे, उस मौके पर आपने देखा कि शख्स का पेट बहुत बड़ा है, कमरे की तरह बड़ा सा पेट है, और उसके पेट की खाल बिल्कुल पतली झिल्ली की तरह, और अंदर का सारा मादा नजर आ रहा है। और अंदर है क्या? अंदर सांप हैं, बिच्छू हैं, और अंदर से काट रहे हैं, डस रहे हैं। पूछा आपने, ये कौन है, इसके किसके ये इसके साथ क्यों हो रहा है? बताया गया कि ये उम्मत का वो फर्द है जो सूद खाता है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए कि अंदर से सांप और बिच्छू काटेंगे और उसके पेट पे से लोग गुजरेंगे, किस कदर सख्त तकलीफ होगी ये सूद खाने का अंजाम। 6666 आयात में सिर्फ एक ऐसी सख्त वईद ही काफी थी कि अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग सुन लो, अल्लाह बर्बाद करके रख देंगे सूद खाने वाले को, सूदी मामलात करने वाले को, लेन देन करने वाले को। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिलहु व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सूद खाने वाले पर भी लानत की है, खिलाने वाले पर भी लानत फरमाई है, लिखने वाले पर भी लानत फरमाई है, गवाहों पर भी लानत फरमाई है। क्योंकि इस्लाम का उसूल है कि नेकी के कामों पर तो एक दूसरे की मदद करो, गुनाह से बचने में तो एक दूसरे की मदद करो, लेकिन गुनाह पर एक दूसरे की मदद करना जायज नहीं है। आज हमारे माशरे में सूदी लेन देन आम हो चुका है, सूद का गुनाह आम हो चुका है, इसके गुनाह होने का एहसास खत्म हो चुका है, बहुत सख्त तरीन बात है। अगर किसी मुआशरे में हराम को हलाल समझ लिया जाए, और कोई शख्स हलाल को हराम को हलाल समझ ले, तो ये कुफ्र है। हराम को हलाल समझने वाला काफिर हो जाता है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के यहाँ सूदी मामलात खत्म हो गए, सहाबा किराम के यहाँ सूदी मामलात
थे ही नहीं। जब ममानात उतरी है उसके बाद से हलाल कमाई का जोर हो गया और ये सूदी मामलात सहाबा ने बिल्कुल ख़त्म कर दिए। पूरी जिंदगी कमाई के जरिए अगर अल्लाह ने दिया, माल ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हुआ तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, ना हासिल कर सके तो कनात इख्तियार की। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने कनात का सबक सिखाया है उम्मत को, फरमाया रिज़म मिनल मईशति बिमा कसमतनी, ए अल्लाह हमें ऐसा ईमान नसीब फरमा के फिर वापसी ना हो, फिर कुफ्र ना हो, और ऐसा रिस्क पर ऐसा यकीन नसीब फरमा कि जो कुछ आपने मेरे लिए लिख दिया है मैं उस पर मुतमईन जिंदगी गुजारूं। तो इस्लामी मिजाज तो कनात पसंदी का है, लेकिन जब हिर्स व हवस आम होती है, जब लालच आम होती है, जब फजूलियात को ज़रूरियात समझा जाने लगता है तो फिर लोग सूदी मामलात में लगते हैं। अभी करीब के ज़माने का वाकया है, हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं, वो अपने वालिद साहब की कब्र पर जाकर कुरान शरीफ की तिलावत किया करते थे। एक दिन फजर से पहले तिलावत फरमा रहे थे, इसाले सवाब की गर्ज से करीब की कब्र से हाय हाय की आवाज़ आई। मालूम किया, पता चला कि वो गांव ही का एक शख्स था। दोस्तों से मालूम किया कि आखिर क्या बात है, ये कौन शख्स था, ये क्या करता था, इसके क्या आमाल थे। बताया गया कि पंज वक्ता नमाजी था, शरीयत के अहकाम का पाबंद था, सुन्नत पर चलने वाला था, हलाल कमाई इख्तियार करने वाला था, पूरी जिंदगी रिश्ते हलाल कमाया, लेकिन आखिर आखिर में बदकिस्मती से क्या ख्याल आया, क्या जहन ने बुरा इरादा किया, नफ्स खबीस ने क्या बुरा इरादा किया कि इन्होंने अपना पूरा माल सूदी मामला में लगा दिया। सूद का जो पैसा आता उस पर गुजारा करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में शायद ये हो रहा है। तो अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूदी मामलात करने वाले, सूद खाने वाले का वो कब्र से ही अजाब शुरू कर दिया जाता है। वो हाय हाय जो कर रहा था, नमाज भी पढ़ता था, पंज वक्ता नमाज का पाबंद था, इशराक भी पढ़ता था, इबादत में वक्त गुजारता था, मस्जिद में ही रहता था, तिलावत भी करता था, मगर आखिर जमाने में बदकिस्मती से सूदी मामलात इख्तियार कर गया, जिसके नतीजे में कब्र में अजाब हो रहा था। इतना सख्त मामला है, अल्लाह की तरफ से ऐलाने जंग है, और अल्लाह की तरफ से अगर ऐलाने जंग हो तो अल्लाह तबारक व तआला जब भी किसी के साथ जंग होती है तो वो उसकी कीमती चीज़ छीनता है, जान छीनता है। जान से ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है? उलमा फरमाते हैं कि ऐलाने जंग का नतीजा ये होता है, सूद खाने वाले का कुफ्र पर खात्मा होता है, सूद खाने वाला ईमान पर नहीं मरता। इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है? अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हमारे माशरे में सूद के मुख्तलिफ नाम हैं, बहुत बचने की ज़रूरत है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के करीब सूद इस कदर आम हो जाएगा कि दीनदार भी उसके धुएं से नहीं बच सकेगा। आज देख लीजिए, रिक्शा है या जो भी चीज़ें हैं, लोग लोन पर ले लेते हैं और किस्तें भरते हैं और सूद अदा करते रहते हैं। अब जो दीनदार है उसके रिक्शा में बैठता है, वो उसके धुएं से फैजियाब होता है, उसका फ़ायदा उठाता है सूदी सामान का, सूदी गाड़ी का। मुख्तलिफ नाम से अगर सूदी मामला किया जाए फिर भी वो हराम रहेगा।
अगर कुत्ते का नाम बकरा रख दिया जाए तो क्या वो बकरा हो जाएगा? सुअर और खिंजीर का नाम अगर बकरा रख दिया जाए तो वो जायज हो जाएगा, हलाल हो जाएगा? आज हमारे माशरे में सूद के मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ शक्लें राइज हो चुकी हैं। कहीं इनामी बॉन्ड्स के नाम से, कहीं जीवन बीमा के नाम से, कहीं इंश्योरेंस के नाम से, ये सब सूद है। इन सब की बुनियाद सूद पर है। बहुत बचने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हलाल कमाई पर कनात इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए। जिन लोगों ने सूदी मामला कर लिए हैं और सूद देने का मामला कर लिया है या लेने का, तौबा करें, अल्लाह तबारक व तआला से की तरफ रुजू करें और आइंदा बचने की कोशिश करें, वरना पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे सूदी मामलात करने वाले की ज़िंदगी से सुकून तो खींच ही लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं, मुशाहदे की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको यकीन नसीब फरमाए, हलाल कमाई इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए, सूद से अल्लाह ताला पूरे माशरे की हिफाजत फरमाए। वाकिल दामाना।